योगी सरकार जहां एंटी भू माफियाओं पर पाबंदी लगा रही है, कर्मचारियों की मिलीभगत से भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ऐसा ही कारनामा देखने को मिला ब्लॉक एलिया की ग्राम सभा धोरहा में, जहां भू माफियाओं ने क्रीड़ा स्थल में खेल के मैदान में अवैध कब्जा कर गन्ना बोया व धान भी लगाए। इसकी शिकायत जब ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से की तो जिला अधिकारी के आदेश पर लेखपाल मनोज कश्यप ने 1 सितंबर को आख्या लगा दी कि जबकि इसकी जांच करने ग्राम सभा में 9 सितंबर को आए तो मगर उस खेल के मैदान को खाली दिखा रहे थे। जब इसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो लेखपाल ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए फाइल फाड़ने की बात कह डाली और कहा कि वह लोगों को फाइल फाड़ने के आरोप में अंदर करवा देंगे और बोले कि शिकायत किसी से भी करो, जांच करने वह खुद ही आएंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस समय खड़े हैं ब्लॉक एलिया की ग्राम सभा ढोराहा में, जहां पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा, सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा। ये सार्वजनिक जमीन है क्या? क्रीड़ा स्थल, जो क्रीड़ा स्थल है उस पर अवैध कब्जा कर रखा है और कब्जा करके गन्ना बोया है। आइए दिखाते हैं आपको, गन्ना बोया है, यहाँ पर गन्ना बोया है, इसके पीछे धान भी लगे हुए हैं और ये भू माफिया जो हैं इन्होंने जबरदस्ती इस पे कब्जा कर रखा है। इसकी शिकायत जब ग्रामीणों ने माननीय जिलाधिकारी को दी तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर लेखपाल आए और इस जो अवैध कब्जा किया हुआ है इसको खाली जमीन दिखा रहे, पूर्णतया खेल का मैदान खाली है, जबकि मौके पर देखा जाए तो यहाँ पे गन्ना बोया हुआ है और वो गन्ना नहीं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं जमीन खाली है, भूमि बिल्कुल खाली है। जो लेखपाल हैं, जो कर्मचारी हैं, जो जनता की सेवा के लिए लगे हैं, जब वो ही जनता पे अत्याचार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और माननीय योगी जी इस पे क्या कार्रवाई लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए बात करते हैं, ये कुछ ग्रामीण ग्रामवासी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। गाँव वालों ने मिलकर 10/8 को गांव में जो जमीन अवैध कब्जे में थी उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को शिकायत की थी। उसके बाद में इन्होंने आख्या लगा दी 1 तारीख को। किसने चिन्हित कर ली है? लेखपाल साहब ने। क्या नाम लेखपाल का? मनोज कश्यप। जबकि जांच करने 9 तारीख को आए, दिन बृहस्पतिवार था, जिस दिन हमारे गाँव की हाजिरी होती है या सब जो रवानगी होती है उस दिन आए। अच्छा। उल्टे ही जहाँ पे एक दो जगह देखा, गरीब आदमियों को एक दो जगह चिन्हित किया, उसके बाद में जब बड़े आदमियों का नंबर आया जहाँ पे खेती हो रही, गन्ना आज भी खड़ा है, फसलें खड़ी हैं, वहाँ पे जब कहा गया कि इनका भी नाम नोट कर लीजिए तो उनका नाम नोट करने में आनाकानी कर ले लगे। जब गांव वालों ने दबाव बनाया, करीब करीब 50 आदमी थे साथ में, तब ये कहने लगे कि हम इसको फाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे और एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे आप, जहाँ लगाएंगे हम ही लोग आएंगे जाँच करने और हमारा कुछ नहीं होगा, चाहे मुख्यमंत्री को दीजिए, चाहे मोदी को दीजिए, चाहे DM को दीजिए। अच्छा, ये लेखपाल बोले? लेखपाल महोदय बोले। अच्छा अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी को की? तब से हमने शिकायत, हम इसी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक 1 तारीख को लगाया है आख्या वापस, हम जमीन छुड़वा रहे हैं, अतिक्रमण हटवा देंगे, तब तक हम इंतजार कर रहे हैं। अब ये हिलावली के लिए ये कर रहे हैं कि अब एक दिन आते हैं तो इधर एक खेत देख लेते हैं, एक दिन उधर आते हैं, और उसमें करते क्या है ये पता नहीं। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम सुशील कुमार सिंह है, नीलू सिंह उसको कहते हैं। अच्छा, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं माननीय लेखपाल जी, और कह रहे हैं कि इंक्वायरी करने हम ही आएंगे, जांच करने हम ही आएंगे, तुम्हें जो एप्लीकेशन देना है दिए, जो तुम्हें जो शिकायत करनी करिए, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे DM के यहाँ जाइए, चाहे SDM के यहाँ जाइए, इंक्वायरी करने हम ही आएंगे, जो हमारी मर्जी होगी वो करेंगे, कोई लिहाज नहीं, बड़े बुजुर्गों का कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं और ग्रामीणों को इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं माननीय लेखपाल महोदय। इस पे योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अरुण सिंह के साथ मैं रमेश सिंह, 24 Hours Today न्यूज चैनल सीतापुर। Twenty-four Hours Today न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।